जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ के डायनेमिक सोशल वर्कर फवाज मेमन और सभी लोग उनके साथियों ने एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी जो खवातीन जो है तो जो उसके जो दीनी तालीम से अगर उसको दीनी तालीम दी जाए और इसी तरह से हर घर के अंदर सरकार की तो ये पॉलिसी होती है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सही मानों में संस्कृति अपनी संस्कृति अगर सिखानी है तो ये हमारा दीनी तालीम जो है उसको हर चीज़ की तालीम से ये वाकिफ हो जाते और यहाँ से जो सीख के जाएंगे तो वो बेटी देश के लिए समाज के लिए अपने अपने घर के लिए और अपने बच्चों के लिए तालीम देने का जो सिस्टम है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इस्लाम के लिए जो सिखाया तो इस्लाम को अगर सही मानों में अगर सीख जाए हमारी बेटियां, क्योंकि जो भी पढ़ाई है पढ़ाई इल्म इल्म घर से निकलेगा और वो बेटियों से निकलेगा और बेटी जब पढ़ लेगी तो दो खानदान को उसका उसका बनाएगी। तो ये बहुत ही आज का ही दिन क्यों चुना 26 जनवरी था, इस तरह के किस तरह का मैसेज जाएगा पूरे देश में? देश में ये है कि आप लोगों के माध्यम से और बहुत ही अच्छा दिन, क्योंकि जैसे कि देश में दो पर्व आते हैं जिसको सेकुलरिज्म का जो हमारा मुल्क है उसके अंदर ये 26 जनवरी और 15 अगस्त, तो 15 अगस्त का जो चुनने के लिए हमारे सभी साथियों ने और फवाज के नेतृत्व में फवाज मेमनी के नेतृत्व में 26 जनवरी इसलिए और सभी लोगों ने और दोस्तों ने कहा कि नहीं अच्छा दिन है अच्छा काम है और अच्छे काम की अच्छे दिन शुरुआत होना चाहिए। जो संविधान जिस दिन बना है उस दिन हम दीन की तालीम देंगे और पढ़ाई की तालीम देंगे और संस्कृति की तालीम देंगे और हमारे सबसे आलिमा जो इधर आई है बहुत बड़ी बड़ी स्कॉलर लोग हैं शाहीन आपा वगैरह, और जब इनको सुनने के लिए जब ये घर में जब ये तालीम सीख के जाएगी तो दूसरों को तालीम जाएगी, इस तरह से हमारे समाज के अंदर एक बहुत ही अच्छा और देश के लिए मुल्क के लिए ये बहुत ही अच्छा दिन और अच्छा अच्छी अच्छा काम। अगर आपको दो अल्फाजों में शुभकामनाएं देनी हो पूरे देशवासियों को? देश के लिए तो देखो ये हम अपना जो देश है ये फूलों का गुलदस्ता है और फूलों के गुलदस्ते के अंदर अगर कोई हरा है कोई पीला है कोई सफ़ेद है, एक कलर का अगर गुलदस्ता दो तो उसको गुलदस्ते के अंदर दम भी नहीं देता मज़ा भी नहीं आती, तो इसलिए हर कलर का हर प्रांत का हर इंसान ने तो ये आज हर मज़हब का इंसान जब भाईचारा समझ के और अपनी एकता को लेके साथ में चलेगा और हिंदू मुसलमान का जो फ़र्क मिट जाएगा तो देश के अंदर इससे ज़्यादा तरक्की और इससे ज़्यादा खुशहाल और ये मुल्क के हमारा मुल्क तो वो है हमारा जो देश है ये विश्व गुरु है। हमसे तालीम लेके कई लोग हमसे प्रेरणा लेके लोग पूरी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर है, क्योंकि हमेशा हमारा मुल्क विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु के रहेगा। पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस मीडिया के द्वारा आप लोगों ने इस मैसेज को पहुँचाने की कोशिश किया है, उसका आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये प्रोग्राम रखने का हमारा इस तरह से इरादा हुआ कि लोग बोलते हैं कि मुस्लिम कौम के जो लोग हैं वो दूसरे धर्म के या हिंदुस्तान की कोई चीज़ों को मानते नहीं हैं, तो ये 26 जनवरी का जो प्रोग्राम रखने का ऐसा इरादा हुआ कि हर एक जो लोग यहाँ पे जो जुड़े हैं उन लोगों का कहना है कि 26 जनवरी को ये मैसेज दिया जाए कि हम भी हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के लिए हर कुछ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है आप हमें लेके नहीं चलना चाहते, हम चलना चाहते हैं। और हम इतना ही मैसेज देना चाहते हैं कि आज जो ख़वातीन लोगों का मेरा मतलब हिंदी में लेडीज़ लोग का जो इंग्लिश में बोलते हैं लेडीज़ लोग का जो इस्तेमाल रखा गया इसमें बड़े से बड़े आलिमा लोग आए हैं और अपना एक बयान करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो मुसलमान हैं वो हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे हमेशा। जय हिंद। इस प्रोग्राम को लेकर जैसे कि आप सभी को बताएं आपने 15 अगस्त या 26 जनवरी का जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं तो आपने काफ़ी प्रोग्राम कवर किए होंगे जहां आपको सिर्फ
झंडा फहराने के या राजनीतिक भाषण सुनने को मिलते होंगे। शायद ये जोगेश्वरी में पहली बार ऐसा हुआ है कि रिपब्लिक डे पे ऐसा इस्तेमाल रखा गया है, और स्पेशली औरतों के लिए, क्योंकि हमारे घर की औरतें बहुत, मतलब उनको घर से निकलने नहीं मिलता है, उनको घर में इतनी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उनको हमारे इस्लाम के बारे में थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो मेरा कहना है, अगर ऐसा प्रोग्राम हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी, या तो मैं तो कहता हूँ हर वेकेशन पे ऐसे प्रोग्राम हो, जिसे हम अपने घर की औरतों को और अवेयर कर सकें इस हिंदुस्तान के बारे में और इस हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में। ये जो अंदर इज्तिमा चल रहा है, इसमें सिर्फ इज्तिमा ही दीनी बात नहीं चल रही है, इसमें देश की भी बात चल रही है कि हमारे देश में क्या हो रहा है और हमारे देश के नौजवानों ने क्या किया, हमारे देश के शहीदों ने कैसे बलिदान दे के इस देश को आज़ादी दिलाई है। तो मेरा इतना ही कहना है कि 26 जनवरी में अगर ऐसा प्रोग्राम होता है तो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं हिंदुस्तान के, मुंबई के, महाराष्ट्र के या जोगेश्वरी को, सबको आगे बढ़ के इस तरीके का प्रोग्राम करना चाहिए। और मैं एक बार फिर शब्बीर भाई और फवाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ के कदम उठाया। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरह के प्रोग्राम से कुछ समाज में मैसेज जाएगा, देश में मैसेज जाएगा जो मतलब? जी बिल्कुल जाएगा। और आपने पूछा है कि इस दिन को क्यों चुना गया है। आज का दिन संविधान का दिन है, गणतंत्र दिवस, और संविधान को वो समझ सकता है जिसके पास इल्म है, तालीम है, ज्ञान है, पढ़ाई है। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो आयत नाजिल की थी वो थी इकरा, यानी पढ़ो। लेकिन बदकिस्मती से दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज उस अमल को या उस पहली आयत को हमारे मुआशरे में इस तरह से, जिस तरह से हाईलाइट करना चाहिए, उस तरह से नहीं कर पाते। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे फवाज भाई का, जिन्होंने इस मिशन को अपने हाथ में लिया और इसको अच्छे पैमाने से, अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की जो तरीका है उनका, वो बहुत सराहनीय है। वो इसलिए है क्योंकि आज हम देखते हैं कि मोदी जी ने कहा है कि मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि संविधान बचाओ और संविधान पढ़ाओ। जब वो इल्म सीखेगा और संविधान को बचाएगा तभी तो अपने रक्षा कर सकता है, अपनी माँ बहनों की रक्षा कर सकता है, अपने देश की रक्षा कर सकता है। जब तक संविधान नहीं पढ़ सकता, आज संविधान दिन है इसलिए मैं इस बात को रखना चाहता हूँ। और आज हम देख रहे हैं कि संविधान को जलाया जा रहा है, संविधान को फेंका जा रहा है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो उसके लिए इल्म यानी पढ़ाई, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और आज का दिन एजुकेशन का दिन है। इसीलिए हम अपनी खातिन जो एजुकेटेड है, वेल, यानी इसमें आपको MA, BA, LLB ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी औरतें मिलेगी जो मुआशरे में दीन के साथ दुनिया की मालूमात भी दे रही है। और मैं फिर एक बार, दीन या दुनिया भी दोनों की तालीम दी जा रही है, और दोनों तालीम के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वहाँ मैसेज सबसे पहले पढ़ने का ही चल रहा है। और आज के दिन मैं फिर से एक बार फवाज भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को, किसी ने भी नहीं सोचा इस सरजमीन तो उन्होंने पहली बार, और हज़ारों की तादाद में खातिन आई हैं, और मैं फिर से इनका इस्तकबाल करता हूँ। जी इंशाल्लाह इससे डबल होगा, इससे ट्रिपल होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग जो जुड़े हैं वो यही सोच के जुड़े हैं कि आज जो उन्होंने देखा वो सिर्फ एक उनको सोच थी कि ये हो सकता है कहीं से, लेकिन ये ऐसा है कि अभी बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है तो आगे भी लेंगे। और जो हमने लिया है वो मेमन चैरिटेबल के नाम से लिया है फॉरम पे, और यहाँ पे जो खवातीन जितनी भी आई है उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बॉम्बे से ही आई है या इंडिया से? ये अभी फ़िलहाल ऑल ओवर मुंबई से है, ठीक है, ऑल ओवर मुंबई से है, थाना से भी है, नवी मुंबई से भी कुछ लोग आए, वासी से आए हुए, हमारी जो आलिमा लोग हैं वो वासी से भी आए हुए, मीरा रोड से भी आए हुए, जैसे ऐन रजा है, फिर हमारे बाजी ऐन रजा बाजी है, फिर सैयद बाजी है, फिर पर शाइन बाजी है, सोलंकी बाजी है, ये सब लोग काफ़ी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग हैं। उन्होंने ये चीज़ का हमारे को एक मौका दिया है और उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आगे भी इससे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए हम काबिल बनेंगे।